समाचार दस वाले एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ भुई गांव के बीचों बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी जमीन है। ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। वहीं आज हाईकोर्ट के ने आदेश दिया है कि जमीन को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि प्रांत अधिकारी स्वप्निल तांगड़े के नेतृत्व में कम से कम 30 बुलडोजर, अग्निदमल, MSEB, मनपा कर्मचारियों तथा तमाम सुरक्षा बलों के उपस्थिति में ये जो कदम है वो उठाया जा रहा है। यहाँ पे जो अनाधिकृत कोड़म्बी प्रकल्प भुईगांव में है उस पर आज कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। 4 जगहों पे कार्रवाई चल रही है। 10 पौंड है, 10 से ज़्यादा पौंड है, उनको आज तोड़ा जा रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें पानी जमा होता है, उसकी वजह से पूरा बांध नहीं तोड़ा जा सकता। जो थोड़ा बहुत हम तोड़ते हैं उसको रिस्टोर करके फिर से इन्होंने शुरू किया था, आज उस पर फिर से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट के लोग अभी मौजूद है, पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और महानगर पालिका के भी लोग मौजूद है। 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी है। 2016 से समीर वर्तक जो भी है इस विषय पर आवाज़ उठा रहे थे, आइए सुनते हैं इस विषय पर कांग्रेस के समीर वर्तक ने क्या कुछ कहा। देखिए, हाईकोर्ट में जो 2013 में वन शक्ति के माध्यम से जो वेटलैंड बचाने के लिए जो जनहित याचिका दाखिल हुई थी उसके ऊपर 2016 में पूरा वेटलैंड बचना चाहिए, वेटलैंड में जो भी अनधिकृत जो काम चल रहे वो डिमोलिश करना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है। उस हिसाब से 2016 से हम लोग भुईगांव के यहाँ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसकी राह देख रहे हैं, उसके लिए हम लोग सातत्यपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। आज जो कार्रवाई हो रही है हम उसका स्वागत करते हैं। एक तो वो पूरी ज़मीन सरकारी है, तो पूरे ज़मीन जहाँ पर भी वो प्रॉन्स फार्मिंग जो कोलंबी प्रकल्प है पूरी की पूरी ज़मीन सरकारी है, तो सरकारी ज़मीन पे यह इलीगली हो गया। भू माफिया है, उनका ऐसा कुछ महत्वपूर्ण अस्तित्व नहीं है। क्या है कि प्रशासन को हाथ में लेके वो सब चोरी कर रहे थे, उनकी चोरी ऑलरेडी पकड़ी गई है और गवर्नमेंट अपना अभी काम कर रही है। हमारे हिसाब से वहाँ पर कम से कम एक 200 एकड़ तक, अंदाजन 200 एकड़ तक सरकारी ज़मीन वो भू माफिया ने हड़प ली थी और वहाँ पर वो प्रॉन्स फार्मिंग कर रहे थे।